हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से, आप देख सकते हैं टाइम, क्योंकि अभी लड़के लोगों का प्लान बनाया है कहीं जाने का। अभी बताएंगे नहीं आपको, धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। अभी मेरे साथ हैं अनिल और संदीप, तो आगे से देखते हैं अभी और लड़के जुड़ेंगे। सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस, पहले हमारा प्लान था पैदल जाने का, लेकिन अब बारिश आ रही है, बारिश का मौसम हो रखा है, तो अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। तो जब तक गाड़ी आती है तब तक हम यहाँ नागचलो में मैच खेलेंगे। यहाँ बैट लगी है 200 की, तो देखते हैं कौन जीतता है। चार भाग सिंगल एक और टीकर आज रे। तू जो है जो इंद्र नाम से भाग क्यों क्या ये यो क्या पूछे यो है भाई और आज भाग चार का थोड़ी मार रे। तो गाइस, ये हमारे जीत का प्राइज है और ये हमारे खिलाड़ी हैं। ये देखो, मैन ऑफ द मैच तो मैं ही हूँ, परंतु इसमें कैप्टन का कोई हाथ नहीं है। मैन ऑफ द मैच तो मैं हूँ, मैन ऑफ द मैच। ये देखो गाइस, ये क्या धक्के खा रहे हैं। एक आसमां पहचान तू, अब यार ओ करम बुलाया है, तुझे जन आया है, तुझे मर के ही तो मैं बजीना आया है, मेरे सारे यार। Nakina,
चाचा जी दिखाई पहुंच गए आप सही सलाम। सही बड़ी बढ़िया रहा सफर चाचा जी के साथ। चाचा जी ने हमको पहुंचाया, इनके सौजन्य से पहुंचे। अब यहाँ से पैदल कितनी दूर है? पैदल ज्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर का है आराम से। जय भोलेगी। टाइम टाइम कितना हुआ आपके? अब देखें आप लोगों का साथ है बस। टाइम दिखा दो एक बार। टाइम हो रहा है 7:46। चलो आइए, ये हमारे गुंगा भाई, हमारे साथ गुंगा भाई, गुंगा भाई, गुंगा भाई। तो फ्रेंड्स हम 9 बजे खो चुके हैं, पिंसर के जंगलों में हम ऐसे खो गए हैं। देखो देखने का हम पहुंच रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं। पता नहीं हम जंगलों में कहाँ घूम रहे हैं एक घंटे से। टाइम दिखाओ, 9 बजने वाले हैं मतलब। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। चाचा भी थोड़ा एनर्जी में है। ये देखो आप, अभी आधे घंटे का रास्ता और है। तो गाय जी आ चुके हम मेन रास्ते पर, आधे घंटे बाद जब ढूंढा और हम पता नहीं कौन से रास्ते पे जा रहे थे। ये देखो कैसा रास्ता है। ये देखो चांद। तो अब लगा चुके हैं गाना, सुनसान जाना ठीक नहीं इस रास्ते पे, बहुत आवाजें सुनाई दे रही। तो महादेव का गाना सुनते सुनते जाएंगे। यहाँ बिजली भी फिटिंग हो गई शायद। रोहित तो अब आपको दिखाते हैं सीधे मंदिर का व्यू। थोड़ी सी जगह शरण में दे दे शंकरा, तेरी शरण में आके भोलेनाथ शुरू हो जाती है हर परेशानी। तो गाइस अभी हो चुकी है हमारी डेस्टिनेशन पूरी। आ गए यहाँ से, अब थोड़े से बचे हैं 50 मीटर लगभग। तो टाइम हो गए 9:15, 9:15 हो गए। और जो उस लड़कों में ऐसे बनाए जैसे आए हाय, तो ये देख सकते हैं आप सामने लाइट जली है। तो आज का डेस्टिनेशन था हमारा, हमारे गांव से बिनसर तक। पहला व्लॉग मैंने यहीं से शुरू किया था। ये देख सकते हैं आप गेट। जय महादेव। ये देखो सामने मंदिर, अभी दिखाते हैं आपको नज़दीक से। तो फ्रेंड्स मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, हम भी जब पिछली बार आए थे तब बना नहीं था यह मंदिर, देख सकते हैं आप। महादेव की जय। सभी को प्रणाम, और सबसे आशा करता हूँ कि बिनसर महादेव पौड़ी गढ़वाल में हमारे चमोली क्षेत्र और अल्मोड़ा क्षेत्र का निकटतम बाउंड्री एरिया पे, बाउंड्री जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पे बिनसर महादेव का मंदिर है। ये साल के 12 महीना खुला रहता है
और आज हमें अपने भाई बंधु के साथ सौभाग्य मिला भीमसेन महादेव आने का। भीमसेन महादेव का बुलावा था और हम पहुंचे। बहुत खुशी हो रही है भीमसेन महादेव पहुंच के। हर हर महादेव। बाकी चल का आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम यहां से मिलेंगे। क्या है देखो गाइज, रात को मस्त दिख रहा है, मॉर्निंग में तो और बढ़िया दिखेगा। यहाँ घंटियाँ लग चुकी है। आए मस्त अभी तो नजदीक से दिखाएंगे, कल रात को पूरा दिखाएंगे। कल सुबह, सॉरी अभी तो कपाट बंद हो गए। ये देखो अच्छा बन गया। तेरू मिल चुका है। ये देखो आप, यहाँ पता नहीं कौन है, यहाँ भी अंदर है, यहाँ पर रहना है आज। आज रात बसे रहे यहाँ पर, दरवाजा खुला है, दरवाजा भी है। ये देखो यहाँ पर बनेगा हमारा खाना। अरे हम फालतू बोल रहे हैं। खाना सैफ साहब तो मैं ही हूँ। रावत जी सभी रावत जी है यहाँ लगभग। घड़ी ये हिलों लगी रे। देखो थोड़ा नमक डाल दे इसमें। यहाँ पर नहीं पता तो नहीं क्या मैगी मसाला लिया बोले रो पा ठीक है मालूम। और सा उखुल रे तेरो ना ना मैगी तो ले जियो झोली ले लीजिए भाई। वो 25 मैगी बन रही यहां पर एक साथ। नहीं तो बना हमें कंटेनर से चला देखा एक बोतल का। ये देखो गाइस लजीज मैगी, अभी तो बनी नहीं, अभी पानी डाल दे। पच्चीस में की आ रखी है इसमें, इतने पतली में देखो। क्या देख कहे थे टेंगू चुप पर हीटर लगे जाओ रे सावन साहब। टेंगू चुप पर हीटर लगे जाओ चल रे कॉल प्लेट धुआं निकलता हुआ ओ ये घना पावर लजीज मैगी बनाया गया। हाई कर दो हाई चल। कैसी हो रही मैगी? बढ़िया चल पकड़ यार। अरे रोना नहीं मैं लेते हुए आ जाओ है दानों में नमक ना बिठाया था ना काटे दिया ये इन्हें बना रहा चाचा यार इनको कुछ नहीं लगा भाई का अरे यार सबसे बड़े 11 बजे फोन कर दिया सदीप हंगाई करता है तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।